हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदि की दुनिया। और इवनिंग टाइम हो चुका है। आज मैंने मॉर्निंग से कोई भी क्लिप नहीं ली है, मतलब कनेक्ट ही नहीं हो पाई हूँ। कोई भी रीज़न मानिए, एक तो ठंड इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, समझ नहीं आता है। मॉर्निंग में इतना स्लोली वर्क चलता है, फिर अद्विक को रेडी करना तो नहीं हो पाया, फिर स्कूल से आने के बाद भी उसका यही रहता है। और मैंने आपको बताया था कल उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो अभी टी टाइम भी हो चुका है, उसके बाद मैं आप लोगों से कनेक्ट हो पाई हूँ। और यहाँ पे आज है पूर्णिमा, तो मुझे लगा चलो आज मैं पूर्णिमा का शेयर करती हूँ। तो मैं बनाने जा रही थी प्रसाद और पंचामृत, साथ में जो नाइट में खाना वगैरह बनेगा, और पूर्णिमा का फास्ट कौन कौन रखते हैं, पूर्णिमा की पूजा कैसे करते हैं, ये प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरे तो मायके में और ससुराल में दोनों जगह ही फास्ट को महत्व दिया जाता है। तो आज मुझे किसी स्पेशल वन ने बोला भी था कि प्लीज़ शेयर कीजिएगा आप कैसे क्या करते हैं, तो मुझे लगा चलो मैं आप सबके साथ ये सब शेयर करती हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो। और टाइम हो चुका है 6 o'clock और मेरा वर्क पिट्टू सा भी नहीं, मतलब जितना मैंने सोचा था उतना नहीं हो पाया है। मैंने आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाई है अभी, और कसार के लिए आटे को रोस्ट कर दिया है, सूजी रोस्ट कर ली है, मखाने रोस्ट किए हैं। और मैं गई थी, फिर मुझे लगा शाम होती आ रही है, तुलसी दल ले आती हूँ पूजा से पहले। और जैसे ही लेने गए तो कोई ना, मतलब आदि के स्कूल के जानने, मतलब स्कूल के थ्रू जानने वाले थे, वो जा रहे थे और उन्होंने मुझे देख लिया, तो फिर वो बोले हम आदि के घर पर आ रहे हैं। और फिर मतलब जब ऐसे आते हैं तो फिर टाइम लग ही जाता है, और फिर उनके जाने के बाद एक और आ गए, तो आज थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। चलिए ये सब तो चलता रहता है, काम तो थोड़ा भी इतना लेट नहीं हुई, 6 o'clock की तो हुआ हो जाएगा, लेकिन हाँ ऐसे कोई आए तो अच्छा लगता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किचन में क्या कुछ हो पाया है और कितना कुछ रहता है। तो आप ध्यान से देखिए इन्हें, ये है वो तुलसी दल जिन्हें मैं लेने गई थी, और फिर वो मैम मुझे मिली। और आप सोचेंगे इट्टू से, क्योंकि अभी विंटर्स हैं तो कहाँ प्लांट्स पे मिल रहे हैं तुलसी दल, ये इतने मिल गए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरा ये तुलसी दल आ चुके, इसे भून दिया था और अब इसको छान दिया है। अभी इसमें घी वगैरह ऐड करना है, शक्कर तो नहीं है तो बूरा ही ऐड करना पड़ेगा। मुझे बताइएगा और कौन ऐड करता है। ये मैंने सूजी भी थोड़ा घी डाल के भूनी है, तो ये भी मुझे इसमें ऐड करनी है, क्योंकि वो बोलते हैं ना गेहूं का आटा और साठी का आटा, तो साठी का आटा तो मिला नहीं, पर जैसे मैं देखते आ रही हूँ घर पे भी सूजी मिक्स करते हैं, यहाँ पे भी मैंने सूजी को रोस्ट कर दिया है। इधर मैंने ये मखाने रोस्ट किए हैं, क्यों किए हैं ये अभी आपको पता चल जाएगा आफ्टर, मतलब थोड़े टाइम बाद। डेफिनेट सी बात है, आपसे कुछ छिपा तो रहता नहीं है, तो आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, मैंने ये मखाने भी रोस्ट किए हैं। ऐसा किस किस के साथ होता है प्लीज़ बताइएगा। आज ये 2 बनानास रखे हुए थे, मम्मी ने पूछा भी कि लेके आऊँ क्या, मैंने कहा नहीं रहने दो, 2 तो हैं, काम चल जाएगा। और आदि आया, एक उठाया और लेके चला गया, जो कि उसकी टमी में जा चुका है। अब मुझे एक बनाना से ही काम चलाना पड़ेगा। पूजन में रखने के लिए अमरूद वगैरह हैं जो पूजा में मैं रख दूँगी, लेकिन प्रसाद के लिए ये एक ही बनाना है। तो और किसके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है प्लीज़ बताइएगा। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने शक्कर तो नहीं थी तो बूरा ले लिया है, और वो सारी सूजी इसमें मिक्स कर दी है। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ये थोड़ा सा गोला कद्दूकस किया हुआ, और ये इन्हें बोलता है मे बी किशमिश है ना, हाँ किशमिश। तो अब मैं इन सब चीज़ों को इसमें मिक्स कर देती हूँ और ये कसार एकदम रेडी हो जाएगा। और कुछ लोग ना इस कसार को बोलते हैं पंजरी, तो किसके यहाँ पे पंजरी बोला जाता है प्लीज़ मुझे बताइएगा। हम लोग तो इसे प्रॉपर बोलते हैं कसार, ये कसार होता है, और साथ में पंचामृत या चरणामृत जिसे आप बोलते हैं, तो ये होता है। और ये किसके लिए होता है ये तो आप सबको पता ही होगा, सत्यनारायण भगवान का होता है, और इसकी कथा भी की जाती है, और मे बी जहाँ तक मैं सही हूँ ये विष्णु भगवान का ही है, सत्यनारायण भगवान भी, और एकादशी का व्रत भी इन्हीं के लिए बोला जाता है, तो ये दोनों ही व्रत बड़े माने जाते हैं। तो मैं अभी चलिए इसे मिक्स कर देती हूँ।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये प्रसाद रेडी कर दिया है। अब हम बनाते हैं पंचामृत। ये यहाँ पर मैंने गिलासी में ले लिया है कच्चा दूध, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें पहले शहद डाला और फिर डाली है घी, जो कि वो इसमें जाते ही एकदम जम चुकी है। और अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। और मैंने तुलसी दल जो है ये ऐसे रख दिए थे यहाँ पे, तो मैं वो भी इसी में ऐड कर देती हूँ। और चलिए फर्स्टली कर लेते हैं अब हम पूजा, क्योंकि लेट हो रहा है, उसके बाद बनाएंगे फिर खाना। और पूजा स्टार्ट करने से पहले मुझे लगा मैं आप सबसे एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं फैमिली में रहती हूँ, छोटा बच्चा है मैं, ये नहीं कोई बड़ों के जैसे जैसे घर में बड़ी पूजा की जाती है उस वे मैं कर रही हूँ। मैं नॉर्मल जैसे हर मंथली होती है वो पूजा कर रही हूँ। जैसे मैंने अभी बताया बनाना रखे थे, एक अद्भुत खा गया है, तो ऐसे मैं इन चीज़ों को नहीं इतना वो करती हूँ। बस आप सब भी मेरी बात से शायद एग्री हों कि अगर पूजा वगैरह होती है ना या इस टाइप के फास्ट वगैरह होती तो पॉजिटिव वाइब्स अपने आप ही आसपास, मतलब अपने आप को ही बड़ा पॉजिटिव फील करते हैं और घर में भी। तो मेन मोटो ये होता है, और जहाँ मतलब मैंने चाइल्डहुड में रही हूँ वहाँ भी यही एनवायरनमेंट देखा है। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है, मतलब कैसे बताऊँ, मैंने अपनी सिस्टर को देखा है। हाँ, एक तो है हमारे में, और जिसके लिए बोल रही हूँ वो खुद समझ जाएगी कि वो कितना पूजा करती है। और आगे मैं खुद मतलब करती हूँ, अभी आधी छोटा था तो मैंने थोड़े टाइम के लिए ना फास्ट वगैरह भी ब्रेक कर दिए थे, मैंने फिर से रिस्टार्ट कर चुकी हूँ। तो चलिए अब पूजा करते हैं, और कोई भी कमी और क्या बोलूँ, किसी लैक ऑफ इंग्रेडिएंट्स या फिर कोई भी कहीं पर भी आपको कमी दिखाई दे तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और इस पूजा मतलब भगवान जी तो छोटी छोटी, हम उन्हें क्या दे सकते हैं, वही हमें सब कुछ देने वाले हैं। तो बस मन में ये सोच के करो ना कि हाँ ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, चीज़ें सारी चीज़ें होंगी नहीं, पूजा आप करोगे नहीं। मेरी सोच यहाँ है हर चीज़ में पॉजिटिविटी रखो ना। तो चलिए अब चलते हैं पूजा करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मेरे छोटे से लड्डू गोपाल, और हम लड्डू गोपाल को लड्डू बोलते हैं, आदि भी हमारा लड्डू के नाम से ही समझता है। और यहाँ पे है मेरा दिया, और मुझे ना आज ही किसी ने बताया था कि दिए में दो लौंग जरूर डालना, तो मैंने आके ऐसे ही कन्वे हो रहा था ये बताया, तो फिर मुझे देखो मैं बोल रही हूँ ना मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो किसी ने मुझे बताया कि दिए को ना प्लेट में डायरेक्ट नहीं रखते हैं, उसका आसन लगाते हैं। मैंने कहा क्या फ्लावर्स रखे जाते हैं, उन्होंने बोला नहीं चावल रखने होते हैं। तो ये मैंने आज फर्स्ट टाइम किया है, अब मैं सही हूँ कि गलत, जो बड़े हैं क्योंकि मेरी YouTube फैमिली में भी बड़े भी होंगे और छोटे भी होंगे, तो मैंने ये किया है। यहाँ पे मैंने रखी हुई है धूप बत्ती, और फल में मैंने आपको बताया ही था आदि भैया जिंदाबाद। यहाँ पे बनाना वो गवावा, इसमें मेरा प्रसाद है, और ये मेरा चरणामृत है जिसमें मैं तुलसी दल ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, और ये मेरी रोली है जिसका मैं यूज ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तिलक वगैरह हो चुका है। तो चलिए अब मैं अपनी जोत जला के अपनी वो जो बुक सत्यनारायण भगवान की पढ़ी जाती, बल्कि अद्भी कभी उसे उठा के ले गया है, वो मंगाती हूँ और उसे पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। अब मैं आपसे मिलती हूँ पूजा के बाद ही। और यहाँ पे मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है। भगवान जी घर में सुख शांति रखो, अंदर दो सुख हे प्रभु आपके शरण। तो आप देखिए मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है, अब मैं भोग लगा देती हूँ और फिर प्रसाद वितरण करते हैं। और ये हैं आज पूर्णिमा के चंदा मामा, तो चंद्र दर्शन आप सभी कर लीजिए। और मैंने अर्घ दे दिया है, और मुझे लगा मुझे आप सब को भी दर्शन करा देने चाहिए। और आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं किचन में, प्रसाद भी दिया जा चुका है, और अब मैं आपको दिखा बनाई है आलू मटर टमाटर की सब्जी, जो कि व्रत में मोस्टली लहसुन प्याज जो खाते हैं उनका तो खैर अलग है, जो नहीं जैसे हम लोग तो सिंपल ही खाने वाले हैं, खैर हम ऑलवेज प्याज तो खा लेते हैं लहसुन नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने बनाई है ये वाली सब्जी, और पूरी के साथ भी, रोटी के साथ भी, पराठे के साथ भी ये सब्जी सब में जाती है। यहाँ पे है ये मखाने की खीर, यम्मी यम्मी सी। जब कुछ भी समझ ना आए ना
तो उस टाइम पे मैंने इसमें ऐड किया है धनिया पत्ती और मिर्च, जीरा और हल्की सी वाइट मिर्च, क्योंकि रात का टाइम है, और काला नमक। तो ये होगी है दही, क्योंकि आदि ना कुछ भी डला हुआ आज खाने को मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगा, तो फिर वो ना खाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर उन्होंने कहा सिंपल से थोड़ा ऐसे कर दो, टेस्ट सही लगेगा। तो ये है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ पूरी। पूजा करने से पहले ही मैंने आटा लगा के रख दिया था, जो कि एकदम सही हो चुका है। और अब चलिए मैं पैन रख के फटाफट पूरी बनाती हूँ, कढ़ाई में नहीं बनाऊँगी आज। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गाय की पूरी निकाल दी है, इसमें मैंने प्रसाद से लगा के सब्जी, दही और खीर वगैरह सब कुछ निकाल दिया है। तो चलिए अब हम खाना सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं ये है आज की हमारी थाली, इसमें पूरा खाना आ चुका है। और अद्विक देखने आया है कि मम्मा ने क्या कुछ बनाया है, और मैं अद्विक को खाना देने जा रही हूँ अंदर। अद्विक वेट करके बेचारा आ ही गया। देखिए आदि इधर तो खा रहा है एक बाइट खाना, और फिर एक यहाँ पे लिखता है वन वर्ड, फिर एक बाइट यहाँ पे खाने जाता है, फिर यहाँ पे आके वन वर्ड लिखता है। और जबकि मैंने अभी देखा है ये वाली लाइन में ब्लॉक से बाहर जा रहे हैं वर्ड्स, तो अभी अद्विक को ये इरेज करने पड़ेंगे और तब ये वर्क करना पड़ेगा। और अद्विक ने पूछा मम्मा ये पूरी क्यों बनी है आज, ये तो बता दो। और मम्मा ने बोला क्यों बनी है, क्योंकि हमने पूजा माई की है और इसकी ये मस्ती चल रही है। तो चलिए हम वापस चलते हैं अपनी किचन में। खाना पीना हो चुका है, बर्तन साफ करने रहते हैं, किचन क्लीन तो हो गई है लेकिन अभी सिंक में थोड़े से बर्तन रहते हैं, वो मुझे क्लीन करनी है, सुबह की तैयारी करनी है। लेकिन हाँ, सब काम अच्छे से हो गया है। जैसे मुझे लग रहा था कि मेरा वर्क लेट हो गया है, और मैं पूजा कैसे, मेरी मतलब टाइम लगता है देखो थोड़ा पूजा में, तो भगवान जी ने सब कुछ अच्छे से करा दिया है। और अद्विक मुझे देखे जा रहा है, क्योंकि उसे ही हो रहा है मम्मा कब आएंगी। तो चलिए अब मैं बाकी की नेक्स्ट डे प्रिपरेशन कर लेती हूँ, और अद्विक को थोड़ा नॉर्मल करती हूँ, क्योंकि उसकी भी गलती कुछ नहीं है। मैंने पूजा की, खाना बनाया, तो वो बेचारा अपना होमवर्क कर रहा है, टीवी देख रहा है पापा से, मतलब वो भी फ़ोन पे बिजी हो रहे हैं, कॉल आ रही है तो रिसीव करनी पड़ती है। तो चलिए मिलते हैं, नई सुबह, नए काम, नए दिन, और पता नहीं और कुछ क्या नया होगा। हर दिन कुछ नया कराता है ना, और कुछ सिखाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।